हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी कंपटीशन और अब हम लोग नया कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम लोगों ने आप लोगों से व्यूज़ लिए थे आपके तो ज़्यादातर बच्चे या तो न्यू ईयर कार्ड के लिए बोल रहे थे या फिर न्यू ईयर ड्राइंग के लिए तो कार्ड तो हम लोगों ने अभी बनवाया ही था इससे पहले वाला कंपटीशन है ना उसका क्रिसमस कार्ड का ही था तो हम लोगों ने सोचा इस बार कार्ड नहीं इस बार हम लोग ड्राइंग का करवा लेते हैं तो न्यू ईयर से रिलेटेड ड्राइंग आप लोग मतलब टॉपिक्स आप लोग भी ले सकते हैं जैसे कि हम लोग आपको हिंट दे रहे हैं कि न्यू ईयर न्यू इंडिया मतलब नया साल और फिर हमारा जो नया भारत बनना चाहिए या होना चाहिए उससे रिलेटेड आप लोग ड्रॉइंग बना सकते हैं या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि क्या आप नए साल में खुद में अच्छा नया करना चाहते हैं उससे रिलेटेड या फिर पूरे वर्ल्ड में आप लोग क्या नया देखना चाहते हैं ऐसा करके आप लोग कोई भी टॉपिक पर मतलब न्यू ईयर से रिलेटेड आप जिस भी टॉपिक पे बनाना चाहते हैं अपनी इनोवेशन मतलब पता है इससे पहले भी हम लोगों ने काफी सारे जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं आप लोग नेट से काफ़ी ज्यादा हेल्प लेते हैं हेल्प लीजिए बट उसमें कुछ चेंजेस भी करिए कई बार आप लोगों की होती है ओरिजिनल ड्रॉइंग होती है बट बिल्कुल कॉपी होती है वो नेट की है ना तो आप लोग उससे इंस्पिरेशन लीजिए और खुद से ही कुछ उसमें इनोवेट भी करने का ट्राई कीजिए कि कुछ अपने आप से भी कुछ नया डालिए और देखिए तरीका वही रहेगा करने का जैसे कि आप लोगों ने क्या करना है जैसे अभी तक कॉम्पिटिशन्स होते हैं कुछ बच्चे नाम नहीं लिखते हैं ऊपर चिट मतलब एडिटिंग करके नाम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे ले ली ड्रॉइंग और उसके ऊपर एडिट करके फ़ोन से नहीं वो वाली चीज़ नहीं है आप लोग को जो आपकी ड्रॉइंग है उसके ऊपर एक चिट लगानी है अलग से और उस पर आपने अपना नाम लिखना है सबसे देखिए इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है यह आपका पेज है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर या तो आप पेज के ऊपर ही लिख लीजिए अगर आपको पेज के ऊपर नहीं लिखना है तो आप अलग से चिट लगाइए और चिट अलग से दिखनी चाहिए उस पर जुड़ी हुई है वो सब नहीं अलग से अपने हाथ में चिट ले करके यहाँ पे लर्नर बी लिखिए और फिर इधर आपका नाम फिर आपके स्कूल का नाम और फिर आप किस जगह से हैं वो और अपनी ईमेल आईडी मत लिखिए अपना फ़ोन नंबर मत लिखिए और अपनी फोटो वगैरह भी मत डालिए उसमें सिर्फ अपने हाथ को दिखा करके कि भाई आपका है हाथ भी ना दिखे तो भी कोई इशू नहीं है बट ऊपर की जो चिट है ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल होनी चाहिए कि सिर्फ कहीं से खींच करके फिर उस पर एडिट करके लगा दिया फिर एडिट करके साइड में नाम लिख दिया नहीं और नाम ना थोड़ा बड़ा बड़ा प्लीज़ लिखा करिए और गूगल फॉर्म आप लोग और जो आपका है ना ये देखिए क्या होता है ये जो मैंने ये ऐसे करके बनाया है ना ये होता है लैंडस्केप काफ़ी सारे काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से फोटो तो मतलब भेज देते हैं तो इस तरीके से आप लोग ना भेजिए इस तरीके से थोड़ा मतलब हम लोग को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है ऐसे ना करके आप इसमें ये जो लैंडस्केप होता है ना इस शेप में इस शेप में आप ड्राइंग भी इसी शेप में बना दीजिए और फ़ोटो भी इसी शेप में ही अपने फ़ोन को जैसे कि हम लोग सीधा पकड़ते हैं ना फोन को बिल्कुल इस तरीके से जो फोन ऐसा लैंडस्केप में पकड़ के जैसे आपको वीडियो दिख रही है ना लैंडस्केप में इसी तरीके से आप लोग फोटो क्लिक करके भेजिए और ड्राइंग भी इसी तरीके से बनाइए और ऊपर लर्नर भी यहाँ पर और फिर यहाँ पर आपका नाम और फिर आपके स्कूल का नाम और फिर आप किस जगह से हैं वो और थोड़ा क्लियर थोड़ा बड़ा बड़ा आ, आप कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए सारा का सर क्योंकि कई क्यों बार क्या होता है राइटिंग ना समझ नहीं आती है कैपिटल्स में जैसे कि मेरा नाम है शिवानी तो अगर मैं जैसे कि ये ड्राइंग बना रही हूँ यहाँ पर मेरी ड्रॉइंग है और यहाँ पे ऊपर से मैंने ऐसे करके चिट लगाई है तो फिर यहाँ पर मैं जैसे एस एच आई VA ना ये देखिए कैपिटल में मैंने लिख दिया है ठीक है तो कैपिटल में अपना नाम लिखिए ताकि थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाता है और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सबको बताइए ताकि हम लोग फिर एक अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे उस वेबसाइट पे हम लोग जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी अपलोड करेंगे फिर एक विनर्स सेक्शन होगा और फिर एक बेस्ट एंट्रीज सेक्शन होगा उसमें तो आप लोग इसको ग्रो करवाने में हेल्प करिए ताकि हम लोग एक वेबसाइट भी और बना सके और जो गिफ्ट्स हैं अब अभी तक तो हम लोग कैश प्राइज ही दे रहे थे बट अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के घर गिफ्ट्स पहुंचाने का भी पूरा कोशिश करेंगे कि गिफ्ट्स भी आपके घर हम लोग पहुंचाएं तो कंपटीशन का डिटेल्स आपको समझ आ गया और गूगल फॉर्म देखिए आप लोग जब सबमिट करते हैं ना तो उसके बाद एक मैसेज आ जाता है मतलब लास्ट पेज पर पूरा सबमिट हो जाता है कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बार 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 सबमिट कर देते हैं तो इत, मतलब एक ही बार ट्राई देखिए और लास्ट में मैसेज आ जाता है उसमें जैसे कि आपका पूरा पेज बंद हो गया फिर लास्ट का पेज एक उसमें खुलता है योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड इस तरीके से आ जाता है और जो अपना नेम नेम वाला है ना जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो नेम वाली जो एंट्री है उस पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखिए आपका फर्स्ट म और लास्ट नेम जैसे कि शिवानी चौहान मेरा नाम है तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ बच्चे उसने बताइए हेलो मैम और ये वो क्योंकि हम लोग सर्टिफिकेट वहीं से लेकर के बनाते हैं ना तो फिर वो सारा का सारा आपके सर्टिफिकेट पे टाइप हो जाएगा तो आप लोग जो नेम है ना नेम में आप अपना पूरा नाम लिखिए अपने पेरेंट्स का नाम नहीं कुछ नहीं आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए कि ये तुम्हारे तो पेरेंट्स का नाम था तो अपने नेम में पेरेंट्स का नाम डाल दिया होगा इसलिए आ गया था तो नेम में गूगल फॉर्म में अपना ही नेम डालिए आप लोग और एंट्री जो है आज से स्टार्ट कर दीजिए सबमिट करना और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों की एंट्रीज आ जाएं और हम उस पर वीडियो बना देंगे और प्लीज बच्चों देखिए हमारा जो लर्नर भी एच वाली मेल है आप ट्राई करिए गूगल फॉर्म में ही भेजिए फिर हमें प्रॉब्लम होती है वहाँ से डाउनलोड करके फिर उसके बाद पी में डालते हैं फिर तो थोड़ा इशू हो जाता है गूगल फॉर्म ईजी होता है सबमिट करना ऐसा कुछ होता नहीं है आप लोगों ने स्कूल में भी आजकल तो बहुत करवा रहे होंगे स्कूल वाले ना एक टेस्ट वगैरह ले रहे हो उस पर और फिर हम लोग अभी जो गूगल फॉर्म का लिंक है कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे तो पार्टिसिपेट करिए और इन वेट करिए मतलब अच्छे से खुद ट्राई करिए कि कैसे करके आप लोग इमेज बना सकते हैं सोच करके मतलब देख के तो सभी बना लेते हैं ना आप लोग सोच करके बनाइए तभी तो आर्टिस्ट बनते हैं तो जल्दी सबमिट कर दीजिए जल्दी से बना लीजिए और थैंक यू